आज नागपुर से अयोध्या के लिए आस्था ट्रेन रवाना की गई। इस ट्रेन को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने हरी झंडी दिखाई। इस वक्त उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में करीब 1700 लोग अयोध्या जा रहे हैं। करोड़ों लोगों के आस्था का स्थान अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आज आस्था ट्रेन नागपुर से रवाना हुई। देश भर से इसके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में नागपुर से रामलला के भक्तों का जत्था आज रामलला के दर्शन करने रवाना हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव सम्पन्न होने के बाद राम भक्तों को रामलला के दर्शन का इंतजार था। इसी बीच रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है। इन प्रमुख स्वयंसेवकों को रामलला के दर्शन कराने नागपुर से आस्था ट्रेन आज रवाना हुई। यह आस्था ट्रेन विदर्भ प्रांत की है, जिसमें 11 जिलों से 1700 लोग ट्रेन से रवाना हुए। इस आस्था ट्रेन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने हरी झंडी दिखाई। 1700 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। वहां जाकर प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन लेंगे और उनकी आस्था है भगवान प्रभु रामचंद्र का जो मंदिर बनाए हैं, उस मंदिर में जाकर वो माथा टेकेंगे और जो पुण्य प्राप्त करेंगे उनके जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी। सभी जाने वाले का जो राम भक्त गए उनका जीवन मंगलमय रहेगा और बरसों साल 527 साल बाद 527 साल बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मंदिर और राम मंदिर की जो भगवान प्रभु रामचंद्र की प्रतिष्ठापना हुई है, वहाँ जब माता टेक कर आएंगे तो नई ऊर्जा के साथ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो अच्छा काम करेंगे, ऐसी भावना इस कार्यक्रम इस माध्यम से है। समझ लीजिए सारे राम भक्तों ने पैसा दिया है, 1600 रुपये दिए हर राम भक्त ने। हर राम भक्त ने मिलकर एक ट्रेन बुक की, उसका नाम आस्था है। हम लोग राम भक्त को शुभेच्छाएं देने वो जा रहे हैं, उनका पुण्य प्राप्त हमको भी हो, आने के बाद भी उनका पुण्य हमको मिले, इसलिए हम छोड़ने आते हैं। लेकिन सारी व्यवस्थाएं राम भक्तों ने की है, हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। इस वक्त ट्रेन में सवार भक्तों ने आयोजनकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा सुखद रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम सपना अतुल सागुले, प्रभाग 45 की महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पक्ष की कार्यकर्ता भी हूँ। भारतीय जनता पक्ष ने आज के दिन 11 फरवरी को अयोध्या निःशुल्क सहल इसका आयोजन किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पक्ष की और सभी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छी ट्रेन है, ट्रेन की सुविधा की गई है, कम से कम 1500 से 2000 लोगों का प्रवास होने वाला है। आज 11 तारीख से हम 12 तारीख को अयोध्या पहुँचने वाले हैं, श्री राम जी के दर्शन करने वाले हैं और फिर 13 तारीख को वापस आने वाले हैं। 14 तारीख को हम नागपुर पहुँचने वाले हैं। इस निःशुल्क सहल को श्री नितिन जी गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, इन सभी का योगदान यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी जो नागरिक है बहुत खुश है, जाने के लिए बहुत उत्सुक है और देखते हैं अभी सहल बहुत अच्छी होने वाली है। आपका बहुत बहुत आभार, भारतीय जनता पक्ष को भी बहुत। भारतीय रेलवे की ओर से आयोजित की गई इस नई ट्रेन की वजह से करोड़ों लोगों को अयोध्या यात्रा करना आसान होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।